हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू एजु मंत्रा। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर रवि सर फिर से इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज एकेंसी एक मेंढक मेरे सिर पे चढ़ गया और एकेंसी मुझे परेशान कर रहा है कि सर जी ट्र ट्र सर जी सर जी मुझे बताइए कि हाउ टू स्टडी ट्र 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 बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को किस तरह स्टडी करना है, ये इस मेंढक की एकेंसी वार्ड ख्वाहिश है। तो इस ख्वाहिश को हम लोग पूरा करेंगे और आप लोगों को भी नेचुरली बायोलॉजी कैसे स्टडी करना है उसके बारे में उत्सुकता होगी जानने के लिए कि कौन से तरीके से हम लोग बायोलॉजी को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो देयर आर फोर रूल्स, इन चार रूल्स को आप फॉलो कीजिए और इन चार रूल्स को अगर आप मेरे दिए हुए तरीके से फॉलो करेंगे, यू विल मेक द बायोलॉजी स्टडी वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। और साथ में हम लोग 10 अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे जो आपको प्रिपेयर करनी है। तो हो जाइए रेडी आज के सेशन के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। ओके चलिए, ओके दोस्तों, रेडी हो जाइए उन चार बेसिक एकेंसी रूल्स को जानने के लिए ताकि आप बायोलॉजी को एकदम कॉन्फिडेंटली एकेंसी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं कि भाई कितना पढ़ना है हमको। 22 लेसन्स है आपके इस साल 11 स्टैंडर्ड में, ओके, जिसको 5 एकेंसी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। और हर यूनिट के सामने देखिए जो मार्क्स हैं, ये वो मार्क्स है जिसको आपको अर्न करना है ताकि आपका 70 मार्क्स का थ्योरी जो है उसमें आपको फुल मिले। ओके, तो वो एस्पेक्ट भी है कि 70 मार्क्स फुल लाने कैसे हैं, इसमें प्रिपरेशन कैसा रहेगा, क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन कैसा है, डायग्राम्स कैसे बनाना है, उस पर भी सेशंस हमारे आने वाले हैं। ओके, और साथ में 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उस पर भी आपको गाइडेंस मैं दूंगा। ओके, डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि उसमें भी आपको फुल मार्क्स आने चाहिए ताकि आपका 12th का जो बेस है वो एकदम परफेक्ट हो जाए। और अगर आप नीट की बात कर रहे हो तो प्रैक्टिकल अलॉन्ग विद द थियरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यार, कि जो नीट दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल का कंटेंट भी नेचुरली नीट में आता है, ये बात आपको भूलना नहीं है। ओके, तो चले, तो आज का जो सबसे थीम है वो है आपका बेसिक प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजी। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि चार गोल्डन रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है। इन चार गोल्डन रूल्स का शॉर्टकट है REDS, रेड्स, ये याद रखिए। और ये वो रूल्स है जिसको मैं एक एनसी फॉलो करते आया हूँ और उसकी वजह है एक सर जो 11 स्टैंडर्ड में हमारे सामने आए थे और उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात बताई। मैं बायोलॉजी में पहले से ही अच्छा था लेकिन उनकी बातों को सुन के मैंने बायोलॉजी को और ज़्यादा सीरियसली लेना चालू कर दिया। तो उन्होंने बीच में अभी वो किस रेफरेंस पे उन्होंने ये सेंटेंस हमारे सामने रखा था ये मैं तो भूल गया हूँ, लेकिन यस ओके, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्होंने कहा क्या। तो उन्हें ये कहा कि बच्चों, ओके, मुझे मालूम है कि बायोलॉजी एक इजी सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइटली लेते हैं, ऐसा वो बोलने लगे। ओके, और बोले कि यस, बहुत सारे बच्चे क्या लगता है कि बस रट्टा मार के पास हो जाएंगे, वेल एंड गुड, बोलते ये तो बढ़िया बात है। ओके, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। तो वो सेंटेंस जो उन्होंने बोला, ओके, वो आज तक मुझे याद है, बोला इट इज वेरी इजी टू पास इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में पास होना बहुत ही आसान है, बट नॉट डिफिकल्ट टू फेल। और ये पार्ट जो है नॉट डिफिकल्ट टू फेल, ओके, इसने मुझे बहुत ही ज्यादा एकेंसी इंप्रेस कर दिया। यस, ओके, पास होना तो आसान है लेकिन एकेंसी फेल होना मुश्किल नहीं है। तो और उन्होंने फिर बताया कि बस बहुत सारे स्टूडेंट एकेंसी बायोलॉजी को थोड़ा सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कि बस रीडिंग कर लेंगे, बाहर कर लेंगे और अपना एकेंसी एग्जाम दे देंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है क्योंकि बायोलॉजी में भी आपको लिखना है, एक्यूरेटली लिखना है, आप थुकम पट्टी नहीं कर सकते बायोलॉजी में, क्योंकि कंसेप्ट अटेंड करना, क्योंकि 10th तक आपने जैसा स्टडी किया है तो अभी 11th 12th का जो लेवल है बहुत ही एकेंसी वार्ड डिफरेंट है। इसके मैंने फर्स्ट चैप्टर को आपको इसके लिए डिटेल में बताया ताकि आपको समझे कि बायोलॉजी जो है वो उतना भी ईजी नहीं है जितना एकेंसी आपको लगता होगा। तो उसमें कंसेप्ट को अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये REDS जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और इसी को आपको फॉलो करना है। ओके, नॉट फॉर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर। और अगर आप नीट दे रहे हो तो नीट के लिए नेचुरली इसी मेथड को आपको थोड़ा एक्सपांड करना है, जिसके बारे में मैंने नीट के इंट्रोडक्शन एकेंसी टॉपिक में बताया था, ताकि आपका नीट का भी प्रिपरेशन क्या है वो भी एकदम अच्छी तरह होने वाला है, क्योंकि हमारा विजन 2022 बैच जो है उसी के लिए तैयार किया ताकि आपका नीट का प्रिपरेशन पक्की तरह को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको एकेंसी मेडिकल सीट मिल जाए। ओके, तो चलिए, तो REDS का मतलब क्या है? तो इसमें पहला आर क्या है? रीड द कंटेंट मैटर। तो सबसे पहला काम आपको करना है
रीडिंग करनी है, रीडिंग द पहला स्टेप, द फंडामेंटल स्टेप ऑफ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी की आप रीड कीजिए भाई, रीड। ओके, क्योंकि आपको पहले से बताया गया है कि आपका जो बायोलॉजी है वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट, तो बहुत सारी चीजों को आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं। ओके, और उसमें आपका एक्सप्लेन पार्ट होता है, डिस्क्राइब पार्ट होता है, उसमें डायग्राम्स होते हैं। ओके, इन सब चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, रीड करना है, ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी वर्ड को बहुत थोरोली आपको रीड करना है, और इस तरह रीड करना है कि आप एक क्या है नॉवेल पढ़ रहे हो, रीड लाइक नॉवेल, रीड लाइक मैगजीन, ओके, या रीड लाइक ए न्यूज़पेपर, ओके, न्यूज़पेपर की तरह आप उसको रीड कीजिए। ओके, ये पहला स्टेप है। तो इस रीडिंग से ये आपको समझेगा जब आप रीड करोगे कोई भी कंटेंट मैटर कि भाई ये पार्ट मैं पढ़ चुका हूँ कि नहीं। ओके, तो इसमें से मैं बोलता 90% जो चीजें आप पढ़ने वाला है 11th और 12th में आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, अभी आपको उसको और थोड़ा सा क्या है ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। इसके लिए जब आप इन चीज़ों को वापस पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, तो आपको समझेगा कि कौन कौन सी बातें आपको याद हैं या मालूम है। ओके, और जब रीड करना है तो आपको उसको सीरियसली रीड करना है, खाली बस रीड करना है ऐसा नहीं, सीरियसली रीड करना है। तो शांत चित्त होकर आपको रीड करना है, एज इफ आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो। ओके ओके, लाइक ए नॉवेल। ओके, तभी जाके आपको समझेगा, नॉवेल पढ़ रहे हो जब तक आप उसको सीरियसली रीड करोगे तो आपको फ्लो नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा सीन कैसे हो गया। ओके, कौन सा एपिसोड कैसे चल गया। ओके, जैसे आप सीरियल जैसे देखते हो, देखो सीरियल जब आप देखते हो, अगर बीच में आपने कोई सीरियल मिस कर दिया तो अल्टीमेटली फिर बाद में लिंक नहीं लगता है ये कैसा हो गया। ओके, तो रीडिंग के साथ भी ऐसे ही है। रीड करते करते फिर आपको दो चीजें करनी है। ओके, तो वो क्या है, तो उसमें नेक्स्ट है आपका इम्फसाइज करना है, तो इंपॉर्टेंट चीजें, तो जितने भी चीजें आपको लगती है कि रीड करते करते बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे जो बहुत ही लगता है इंटरेस्टिंग है। ओके, या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम वॉट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्वेश्चन वाइज, कि इस सेंटेंस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है भाई। ओके, और आप सब लोगों को तो 10 साल के एक्सपीरियंस है एक्चुअली, तो 10 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको मालूम है अपना ग्रामर में एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं WH टाइप का क्वेश्चन, जिसमें एक सेंटेंस आपको दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि WH टाइप का क्वेश्चन बना दीजिए। इसका मतलब है आप तो नेचुरली एक्सपर्ट हो भाई। ओके, एक सेंटेंस आपको दे दिया, ओके, राम इज अ बॉय, तो आप बता दोगे हु इज राम, करेक्ट, तो इतना तो नेचुरली बेसिक नॉलेज आपके पास है। तो अल्टीमेटली एवरी सेंटेंस जो है इट इज ए प्रोबेबल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन की तरह आ सकता है। ओके, तो आप खुद भी नेचुरली, अभी आपका ग्रेड बढ़ गया भाई, 10th से अभी स्कूल नहीं हो, अभी आप कैंसी कॉलेज में पहुंच गए हो। ओके, नेचुरली तो नेचुरली आपका लेवल तो बढ़ गया है। ओके, तो आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ गया, तो अल्टीमेटली वो सेंटेंस को पकड़ के आपको समझेगा कि इसका किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आपको मार्क करना है, आप हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है अंडरलाइन करना है, और उसको मार्क हाईलाइट करने के भी अलग तरह, हाईलाइट यू कैन से मार्क कीजिए, एक स्टार बना दीजिए उसके बाजू में। ओके, स्टार बहुत ही अच्छा यू कैन से साइन रहता है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इट कैन बी ए वर्ड, तो किस चीज़ों को, वर्ड को, सेंटेंस को, ओके, पैराग्राफ को, आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, ओके, आप उसको अंडरलाइन कीजिए, मार्क कीजिए, हाईलाइट कीजिए। करना कैसे है, मेरा सजेशन है कि पेंसिल से कीजिए, विद पेंसिल। ओके, प्लीज 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 विद पेंसिल कीजिए। ओके, या हो सका तो कोई एक एजेंसी पेन चूज कीजिए। ओके, हाइलाइटर जो है, हाइलाइटर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हाइलाइटर का प्रॉब्लम यह था कि जब आप हाइलाइटर से मार्क करते हो, ओके, तो उससे होता यह है कि पेज के बैक साइड पे भी नेचुरली एजेंसी मार्किंग आ जाती है। ओके, या स्केच पेन तो बिल्कुल यूज मत कीजिए। ओके, तो शुरुआत में तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में पूरा रंग बिरंगा जैसा हो जाता है। ओके, तो पेंसिल कीजिए, ये एक दो कलर ही ज्यादा यूज कीजिए, नहीं तो बहुत ही ज्यादा गाउडी जैसा लगेगा, एकदम गैरिश टाइप का एक आंसर आपका पेज हो जाएगा, फिर समझेगा नहीं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फिर आपको लगेगा सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आप कुछ भी पढ़ते रहोगे। ओके, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कीजिए। ओके, फ्रॉम WH टाइप ऑफ क्वेश्चन वाइज, ओके, अंडरस्टूड, उसके हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट करना है, और जब आप इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे होंगे तब आपको समझेगा कि भाई अरे बाप रे, ये तो बबुआ हमको मालूम ही नहीं ये क्या आ गया बीच में, तो कोई नेचुरली डाउट्स आएगा। ओके, डाउट्स आएंगे बीच में, तो वो डाउट क्या हो सकते हैं,
वो डाउट कैन बी यू कैन सी एक वर्ड ही आपका समझा नहीं भाई, एक नया ही शब्द है भाई, ये वर्ड क्या है या एक सेंटेंस का पार्ट जिसको फ्रेज कहते हैं वो नहीं समझा, या पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं समझा आपको, या हो सकता है आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं समझा, या हो सकता है पूरा का पूरा टॉपिक ही नहीं समझा। ओके, तो कहीं पे भी कोई वर्ड आपको नहीं समझा है, फ्रेज नहीं समझा है, तो वहां पे उसके बाजू में आपको करना है मार्किंग कर देना है, उधर मार्क कीजिए, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। और आप बहुत ही सीरियस, आपको लग रहा है ये डाउट तो भाई बहुत ही सीरियस है, ओके, तो आप डबल क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, एकदम सीरियस है। ओके, जीने मरने की बात हो गई तो वहां पे 3 वैकेंसी वर्ड क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन मार्क करोगे उसे मालूम पड़ेगा कि ये इतना ज्यादा वैकेंसी वर्ड सीरियस डाउट है। ओके, और डाउट एक बार आ गया, अगर डाउट नहीं आता है इसका मतलब आपने ठीक से ना तो रीड किया है ना तो इंफोसिस किया, डाउट होना जरूरी है क्योंकि तभी जाके आप उसको सॉल्व करोगे। ओके, तो आपको सॉल्व कैसे करना है इस पर भी मैं एक स्पेशल सेशन लाऊंगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व कैसे करना है। तो इसका सबसे पहला तरीका है भाई, अगर वो शब्द है, एक फ्रेज है, तो गूगल सर्च कर सकते हो। ओके, तब भी नेक्स्ट उससे हो सकता है कि और भी कंफ्यूजन बढ़ जाए क्योंकि को हर शब्द का नेक्स्ट को टेक्निकल शब्द का जो मीनिंग है वो अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग होता है। ओके, तब आप अपने दोस्तों का जो बायोलॉजी में अच्छे उनसे ले सकते हैं हेल्प। फिर हम लोग किसके लिए है भाई, ओके, अगर इन सब जितने भी बाकी के सोर्स है, आपके गाइड्स है, डिक्शनरी, उनसे आपका डाउट सॉल्व नहीं हुआ तो हम हैं, हमारा डाउट सेशन रहेगा। और तब ये जो तरीका है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि आपने क्या है कि टेक्स्ट बुक में हर पेज में मार्किंग किया हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट का भी मार्क किया है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये डाउट भी मार्क किया हुआ है। डाउट मार्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे केस में क्या होता है कि हम लोग जब सेशन लेते हैं और पूछते हैं बच्चों डाउट बताओ तो बच्चे डाउट पूछ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने मार्क ही नहीं किया है, वो टेक्स्ट बुक ओपन करते तो समझता नहीं है, फिर वो पढ़ने बैठ जाते हैं कि भाई पढ़ू पढ़ू तब जाके डाउट आता है। ओके, तो ये आपको पहले से करना है, तो पहले से आपके पेज में क्या है डाउट मार्क रहेगा तो उसको पूछना या उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा और तभी जाके आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। ओके, और डाउट एकदम सिली, जितना सिली होगा उतना सिली हो चलेगा क्योंकि ये मत समझिए कि भाई ये डाउट एकदम सिंपल है, मैं पूछूंगा तो मेरा पोपट हो जाएगा या यू कैन सी लोग मेरा मजाक करेंगे, नहीं, वो डाउट आपका है। ओके, हो सकता है और भी दूसरों का वो डाउट रहेगा तो आपको सेल्फिश होना है, आपको अपने डाउट्स को क्लियर करना है। ओके, तो ये हो गया यू कैन सी तीसरा एस्पेक्ट। और फिर चौथा एस्पेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चंस है कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ओरली, तो क्वेश्चंस को जब आप शुरुआत में यू कैन सी सॉल्व करोगे या उसको प्रिपेयर करोगे तो ओरली करने की कोशिश करना है, बाद में नेचुरली प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा नहीं है तो फिर आपको यू कैन सी उसको हैंड रिटन, हाथ से, ओके, हैंड रिटन प्रैक्टिस भी करना है। तो ओके, ये काम आपको करना है। ओके, हैंड रिटन प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है। ओके, तो ये कैसे करना है इस पे भी एक सेशन मैं आपको दूंगा क्योंकि यू कैन सी आई विल बी ब्रिंगिंग ए स्पेशल सेशन इन विच पेपर को प्रेजेंट किस तरह करना है क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो उसमें ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट जो है इट विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके, इन गेटिंग ए बेटर मार्क्स एज कम्पेयर टू व्हाट गुड, ओके, और द बेस्ट मार्क्स एज कम्पेयर टू व्हाट बेटर मार्क्स। ओके, अंडरस्टूड? तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको आपको ध्यान में रखना है कि रीड कीजिए टेक्स्ट बुक को, तो ये आपके हिसाब से भी कर सकते हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कीजिए या जो लेसन आपका चल रहा है उसके हिसाब से करना तो है ही आपको। ओके, तो रीड कीजिए और रीड करते करते आपको करना है 2 चीजें, इम्फेसाइज कीजिए यानी कि रीड करने के साथ साथ आपको इम्फेसाइज करना है, आपके डाउट्स को मार्क करना है और फिर लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आपके नोट्स के जो क्वेश्चन है हमारे ऐप में जो गेंस आपको प्रैक्टिस पेपर देंगे उनको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो जो भी है, तो जितना ज्यादा आप हैंड राइटिंग करोगे तो सब प्रेजेंटेशन आपका बढ़ेगा और ओरली करोगे तो जल्दी आपका वैकेंसी वर्ड ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो ओरली से फायदा यह है कि आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और उससे आपका अंडरस्टैंडिंग भी आपको, और एक बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक तरीका है कि अगर आपको नहीं समझ रहा है कोई क्वेश्चन वगैरह, ओके, तो उसका आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को अगर आपको बाहर करने में कैसे तकलीफ हो रही है तो उसका आप खुद के आवाज में रिकॉर्डिंग कीजिए और उसको सुनते रहिए, झटके से आपको वैकेंसी वर्ड वो आपके दिमाग में चले जाएगा। ओके, क्योंकि होता है क्या कि एग्जाम, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि मैं तो पढ़ के गया था लेकिन एन टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे मैं भूल गया। उसका एक सोल्यूशन है जो मैंने तो अभी आपको एक ही ट्रिक बताया। ओके, और भी बहुत सारी ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चीज़ों को बाहर करना है। तो एक ट्रिक मैं बताया उसका स्टार्ट अभी से कीजिए कि कोई भी टॉपिक अगर आपको
दिमाग पे नहीं बैठ रहा है, डेफिनेशन नहीं बैठ रहा है, या वो क्वेश्चन थोड़ा सा उसका आंसर कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका एक क्या बनाइए, उसका एक रिकॉर्डिंग कीजिए अपने वॉइस में, क्वेश्चन और उसका आंसर रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुनते रहिए, ओके। तो देखिए वो आंसर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ओके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ओके, और कोई बताएगा भी नहीं, ओके। तो ये है आपका बेसिक। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेके कैसे इन चारों एस्पेक्ट को फिर से एक बार देख लेते हैं, ओके। जैसे अभी एक पेज लिया है मैंने, ओके, तो ये आपका सिक्स्थ पेज जो आपका एनसीईआरटी बोर्ड टेक्स्ट बुक का है, सिक्स्थ पेज है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अभी ये जो आपका पेज है इसमें नेचुरली अगर आप इसको रीड कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, तो इसमें एक चीज अच्छी है आपके टेक्स्ट बुक में कि कुछ वर्ड्स को उन्होंने पहले से हाईलाइट करके रखा है, क्योंकि उसको बोल्ड में रखा है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। अभी अगर सपोज अभी ये इसी का बात ले ले, तो आप रीड कर रहे हैं और ये तो इम्पोर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करना है आपको, ओके। फिर क्या है, सपोज इम्पोर्टेंट है, चलो ये नॉर्मल नेचर इम्पोर्टेंट है, ये अंडरलाइन, ये मार्क कर दिया, इसको मार्क कर दिया आपने, ओके, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये मार्क कर दिया, करेक्ट हो, ये तो करना ही आपको, ओके। और फिर सपोज आपको नहीं समझ रहा आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन नहीं समझा, तो इधर क्वेश्चन मार्क कीजिए, ओके। अब जैसे बाइनोमियल नॉमिनेचर, इसका मीनिंग आपको नहीं समझ रहा है तो इसको क्वेश्चन मार्क कीजिए, करेक्ट हो। फिर अंदर भी कोई वर्ड मैं बताता हूँ, जैसे आपको ये टैक्सोनॉमिस्ट क्या होता है, ओके, इसको अंडरलाइन किया, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मीनिंग मालूम नहीं है तो इसको आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ओके, अंडरस्टूड। फिर देखिए यहाँ पे आपका देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है ICBN, ये शॉर्टकट्स है, ओके, इसको अंडरलाइन कीजिए, करेक्ट। क्योंकि देखिए कहीं पे भी पूरे टेक्स्ट बुक में कहीं पे अभी आपको एक ऐसे डेफिनेशन नहीं मिलेगा या वर्डसेट नहीं मिलेगा, तो आपको अभी खुद क्या है फाइंड करना है कि एक सेंटेंस है, जैसे नॉर्मल नेचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉर्मल नेचर, ये तो आप डेफिनेशन नहीं ले सकते, ओके, तो आपका डेफिनेशन इसके पहले फर्स्ट सेंटेंस या उसके बाद के सेंटेंस से रिलेटेड होगा, ओके। द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड, ये प्रोसेस भी लिखनी होती है, ऐसा आप कट कर सकते हैं, इज कॉल्ड नॉमिनेचर, ओके। तो इस तरह आपका यहाँ पे डेफिनेशन तैयार हो गया, खुद का आपका डेफिनेशन तैयार हो गया, ओके, अंडरस्टूड। एंड वेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब, यहाँ पे देखिए अभी आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है, वेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू वॉट द ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू इट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, ओके। तो ये तो रूल आपको एक ऐसे बचपन से आपको पता है, तो उसी को अभी आपको फॉलो करना है, ना कि खुद से भी डेफिनेशन को आप क्या किए क्रिएट किया, जो अननेसेसरी वर्ड है आपको कट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे अभी मैं कट करने को ब्लैक से करता हूँ, जैसे ये दिस को कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, कट एक सिंगल लाइन से कीजिए, खिचड़ी, ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, डोंट डू लाइक दिस, ओके। तो सिंगल कोई भी पार्ट आपको कट करना है, तो जैसे दिस इसको कट करना है तो उसको ऐसा कट कर दीजिए, बस एक सिंगल स्ट्रोक से, और ये सब कुछ आपको करना है विद पेंसिल, इसके मैंने आपको पहले बोला पेंसिल से कीजिए, ओके, अंडरस्टूड। और ये क्वेश्चन मार्क जो किया है वो तो 100% आपको विद पेंसिल से करना है, ओके। तो जब ये आपने पढ़ा, ओके, ये आपने पढ़ लिया, आपने इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन किया, जैसे ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमिनेचर, ओके, इसने ब्रैकेट में डाल सकते हैं सेगमेंट को, करेक्ट नो, तो उसी तरह इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमिनेचर ICZN, करेक्ट नो, तो ये सब आप ब्रैकेट में डालिए, तो आप अपने कन्वीनियंट से जिस तरह आपको एजेंसी समझ में आए तो उसके हिसाब से आपको करना है, करेक्ट नो। तो ये करना पड़ेगा आपको, रीडिंग कीजिए, रीडिंग करते करते आपको इम्फोसाइज करना है, अंडरलाइन करना है, मार्किंग कीजिए आप, ओके, और साथ में जो डाउट है, जहाँ जब डाउट है वहाँ पे आप, जैसे अगर सपोज आपको ये पूरा इतना ये हिस्सा पूरा समझा नहीं, तो ऐसा मार्क करके ब्रैकेट में रख के क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, और आपको नेक्स्ट जब तक ये पैराग्राफ आपका नहीं समझा, सॉल्व नहीं हुआ, तब तक क्वेश्चन मार्क वैसे रहेगा। तो होगा क्या कि जब आप एक चैप्टर में इस तरह से आप मार्किंग करोगे, तो इमीडिएटली जब आप वो चैप्टर वापस ओपन करोगे तो आपको समझेगा, हाँ ये पार्ट तो समझ गया, ओके, तो जो समझ गया तो आपको क्या करना है, नेचुरली रूल क्या है, जो समझ गया पार्ट उसका जो क्वेश्चन मार्क निकाल दीजिए बस, और आपने ये पेंसिल से किया था इसके लिए उसको रब करना बहुत आसान हो गया, करेक्ट नो, इजंट इट। तो दिस आर द सिंपल रूल्स। तो फिर से देखिए, पहला रीड कीजिए और साथ में इम्फोसाइज कीजिए इंपॉर्टेंट चीजों को, WH का हर सेंटेंस को देखिए, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सेंटेंस एज ए क्वेश्चन आ सकता है, वन सेंटेंस आ सकता है, डेफिनेशन आ सकता है, इतना तो आपका बेसिक है, इनसे अंडरस्टैंडिंग हो गया है, ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद में जो डाउट है, जहाँ जब डाउट है क्वेश्चन मार्क कीजिए, जो ज्यादा डाउट है उधर डबल ट्रिपल एगेंसी क्वेश्चन मार्क करके रखिए, ओके, पैराग्राफ को क्वेश्चन मार्क करके रखिए, फ्रेज है
उसको सर्कल भी कर सकते हैं आप, ओके, पेंसिल से कीजिए ताकि उसको बाद में रब करना वैकेंसी आसान हो जाए, ओके, साथ में सॉल्व कीजिए। तो हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, आपके नोट्स के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, ओके, जो हमारे ऐप से आएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। तो जितना ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आने वाला है, ओके। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजी, दैट इज आर ई डी एस, रेड्स को याद रखिए, ओके। और यही है, शुरुआत में थोड़ा सा आपको वैकेंसी और फील होगा कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, लेकिन एक बार आपको इसकी आदत लग गई तो विल फाइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ओके, इस मेथड का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है दोस्तों, मालूम है आपको, उससे ये होगा कि आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, ओके, तो इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है इट विल इंप्रूव, ओके, क्योंकि आपका इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है उसका जो लैंग्वेज है इट इज मच मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द लैंग्वेज यूज्ड इन वर्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो लैंग्वेज है, ओके, लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी इज केप्ट वेरी इजी, लैंग्वेज इज इजी, ओके, तो उससे आपका वैकेंसी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए अगर आपको इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है तो बायोलॉजी को रीड कीजिए, और नेचुरली उसके जो भी एम्फेसिस करने के बाद जो डाउट्स है, ये डाउट वाला पार्ट अगर आपने सॉल्व कर दिया तो इंग्लिश तो आपका इंप्रूव हो रहा है, साथ में आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट भी क्या है क्लियर हो रहा है, क्योंकि बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनडायरेक्ट जब पूछे जाते हैं तो बच्चों को नेचुरली सेंटेंस ही समझ नहीं आता है, और सेंटेंस नहीं समझने की वजह से नेचुरली क्या होता है, उनको आंसर आते हुए भी वो रॉन्ग लिख देते हैं, और नीट में यही होता है दोस्तों, ओके, तो जो नीट कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ओके। चले अब तो अब नेक्स्ट एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे कि आपको अगर आप प्रिपरेशन करना है चैप्टर वाइज, जब आप कोई भी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो और नीट कर रहे हो तो नेचुरली यही एस्पेक्ट है, ओके, जिस पे आपको फोकस करना है, ओके, तो 10 डिफरेंट एस्पेक्ट जिस पे आपको फोकस करना है, एम्फसाइज करना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द थ्योरी, और नीट में भी नेचुरली इन्हीं एस्पेक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कौन कौन सा है देखिए, मीनिंग है, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, कंपैरिजन, डिस्टिंग्विश है, डायग्राम, पिक्चर्स है, रिप्रेजेंटेशन टेबल है, ऑल एग्जांपल्स, सिनोनिम्स, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, ग्रुप्स, फीचर्स, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, ऑल वैल्यूज, रिलेशनशिप, एब्रिविएशन है, नाइन्थ इज प्रोसेस, स्टेप्स और स्टेजेस, और साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन। और इन 10 के 10 एस्पेक्ट जो आपके सामने दिख रहे हैं इस पे मैं अलग अलग सेशंस लाऊंगा, ओके, जब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट 50% कम होगा, ओके, कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी, तब नेचुरली मैं एक कंटेंट भी इसका बनाने जा रहा हूँ, ओके, तो आपको नेचुरली एक साथ एक, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद ये तैयार करो, ओके, क्योंकि जब आप खुद ये तैयार करते हो, क्योंकि एक जो फंडामेंटल चीज है जब आप प्रिपरेशन करते हो वो है कि आप जो भी चीज लर्न करते हो, ओके, और जो चीज आपको लर्न करना है, दिमाग में बिठाना है, वो सब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डूइंग एस्पेक्ट, डूइंग खुद से करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजी को कह लेते हैं, हाँ बस क्वेश्चन है, आंसर है, उसको बाय हार्ट करना, ठीक है, ओके, तो ये जो है कि बाय हार्ट आपको करना है, बाय हार्ट, तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ सक्सेस देता है जिनका मेमोरी बहुत ही शार्प है, जिसका मेमोरी बहुत ही अच्छा है, उनके लिए वो बाय हार्ट वाला तरीका या रट्टा मारी का तरीका बहुत ही वैकेंसी इजी होता है, लेकिन जिनका मेमोरी अच्छा नहीं है, जिनको थोड़ा टाइम लगता है वैकेंसी अंडरस्टैंड करके वैकेंसी बाय हार्ट करने में, क्योंकि हर पर्सन का देखो अलग अलग तरीके से कैसे काम करता है बेसिकली, ओके, तो इसके लिए आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपको किस चीज, कौन सा एस्पेक्ट ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, ओके, अगर आप रट्टा मार करते हो तो ठीक है आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, ओके, तो डूइंग जब आप खुद से करोगे तो आप क्या कीजिए, जैसे चैप्टर वन का आप क्या करोगे, तो जितने भी मीनिंग्स है उसका एक लिस्ट बना, तो आपको एक लिस्ट जैसा बनाना है, लिस्ट ऑफ वर्ड ऑल मीनिंग्स, ध्यान दो अभी, ओके, लिस्ट ऑफ ऑल मीनिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर चैप्टर, मीनिंग्स हो गया या उसको डेफिनेशन बोलिए, ओके, डेफिनेशंस या कैसे स्टेटमेंट्स जितने भी है स्टेटमेंट्स, ओके, इन सब का एक लिस्ट बनाइए, चैप्टर वाइज बनाना है, चैप्टर वाइज आप बनाइए, ओके, तो अलग अलग तरीका है, तो एक तरीका है चैप्टर वाइज या पूरे वैकेंसी वॉट आपका वैकेंसी आपका टेक्स्ट बुक वाइज, यानी कि सारे पूरे टेक्स्ट बुक में जितने भी डेफिनेशन उसका एक चीज बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए टीचर जाएगा, आप चैप्टर वाइज स्टार्ट कीजिए, यानी कि चैप्टर वन, जैसे चैप्टर वन है द लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में एक्चुअली वैकेंसी जितने भी डेफिनेशन है शुरुआत से लेके लास्ट में, तो कौन कौन सा डेफिनेशन, जैसे लाइफ का डेफिनेशन है आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन है, फिर आपका वैकेंसी वर्ड आपका
ग्रोथ का डेफिनेशन है, फिर आपका रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है, इसी तरह तो जितने भी डेफिनेशंस है उसका एक लिस्ट बना दीजिए एक साथ, तो आपका ये पहला हो गया। फिर जितने भी जहाँ जहाँ पे कंपैरिजन है डिस्टिंग्विश है चैप्टर वाइज, जैसे आपका एक एनसी फर्स्ट चैप्टर में आपका ऐसा सकता है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल एक एनसी पार्क हो गया, देन जू म्यूजियम, इस पर डिस्टिंग्विश आ सकता है, छोटे छोटे डिस्टिंग्विश आ सकता है। ओके, तो जितने भी पॉसिबल डिस्टिंग्विश है वो तैयार कीजिए। फिर डायग्राम, अभी चैप्टर वन में तो डायग्राम इतना नहीं है, उसमें रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन जैसे आपका एक एनसी हायरार्की 7 जो आपके कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज, ओके, उसका लिस्ट है आपका किंगडम से लेके आपका किंगडम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ओके, तो इसका एक लिस्ट बनाना है, तो वो रिप्रेजेंटेशन है। ओके, फिर ऑल एग्जांपल, ये एग्जांपल से भरपूर है, ये जो पहला चैप्टर है आपका एक एनसी लिविंग वर्ल्ड वो एग्जांपल से भरपूर है, क्योंकि आपका नॉमेनक्लेचर में जितने भी एनिमल्स है मैंगो का साइंटिफिक नेम, ओके, तो ये एग्जांपल्स आपको सब तैयार करना है। फिर टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, जैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स, उसके टाइप्स कितने हैं, खाली मेन टाइप्स, ओके, उसको आप तैयार कीजिए। ओके, तो ऐसे जितने भी कंटेंट है, अगर फिर फीचर्स, जैसे लाइफ के फीचर्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, जितने भी वैल्यूज है, अभी वैल्यूज जैसे चैप्टर वन में आपका कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टोटल 1.7 टू 1.8 यू कैन सी व्हाट मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, तो ये आपका देखिए फिगर हो गया करेक्ट हो, तो इसका कीजिए। फिर जितने भी स्टेजेस है या प्रोसेस है, अभी ये स्टेज और प्रोसेस नहीं, इसलिए आपके फर्स्ट चैप्टर, हाँ आपका फर्स्ट चैप्टर में जो है वो आपका नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स है, बेसिक रूल्स, ओके, बेसिक रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ये हमने पढ़ा है। ओके, तो उसके जो स्टेप्स है उसके बेसिक स्टेप्स को आप लिखिए करेक्ट ना, स्टेजेस को लिखिए, और फिर जहाँ जहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर में कैरोलस, यू कैन सी व्हाट लिनेस, ओके, लिनेस इनका कंट्रीब्यूशन है करेक्ट ना, फिर आपका एपीजे कंडोल है, ओके, उनका कंट्रीब्यूशन है, तो जो जो भी साइंटिस्ट आपके टेक्स्ट बुक में उसका एक अलग से लिस्ट बना दीजिए, यानी कि जितने भी आपके 10 सस्पेक्ट है ना, इन्हीं पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो थ्योरी है या नीट लेवल है। ओके, तो नीट लेवल पे 2-3 चीज एक्स्ट्रा है, लेकिन आपका थ्योरी के हिसाब से ये 10 सस्पेक्ट पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, एक एनसी आपका 3 मार्क्स है या 4 मार्क्स का है, इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके हिसाब से भी अगर आप खुद प्रिपेयर करोगे नोट्स, यानी कि एक प्रकार का आपका खुद का सेल्फ नोट्स तैयार हो जाएगा। ओके, यानी कि जब आप नोट्स बनाने चाहते हो सेल्फ नोट, तो इस 10 एस्पेक्ट के हिसाब से अपने नोट्स बनाइए। ओके, तो प्रिपेयर द नोट्स, प्रिपेयर योर नोट्स। ओके, और मैं क्या करने वाला हूँ कि इनसे रिलेटेड जो एडिशनल चीजें हैं, एडिशनल नीट लेवल के कंटेंट, वो आपके पोस्ट होंगे। ओके, ऐप्स पे मैं पोस्ट करूंगा एडिशनल एकेंसी इन्फॉर्मेशन, ओके, एडिशनल एग्जांपल, लेकिन आप खुद से टेक्सचुअल, कम से कम टेक्स्ट बुक में जितने भी आपके मीनिंग आपको दिख रहे हैं, कंपेरिजन डायग्राम्स वगैरह, उसका डायग्राम ना चाहिए, आप खुद प्रैक्टिस से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, इजंट इट, और उसको प्रॉपर किस तरह करना है उस पर भी मैं सेशन लगाया, 10th में का भी एक आप देख सकते हैं मेरे वीडियो जिसमें किस तरह प्रेजेंट करना है। ओके, तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो शुरुआत में थोड़ा सा आप स्लो रहोगे, लेकिन एक बार आपने एकेंसी इसको पकड़ लिया तो नेचुरली आपका खुद का एक अच्छा नोट्स, और वो नोट्स जो होगा वो आपका बेस्ट नोट्स हो जाएगा, इट विल द बेस्ट नोट्स। ओके, जो आपको हेल्प करेगा फॉर नीट ऑल्सो, नीट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो अपने जो नीट प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए तो ये एकेंसी वॉट सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये 10 एस्पेक्ट को आप पहले फोकस करो, और बाकी जितने भी है डिस्क्रिप्शन टाइप का वो आप नेचुरली बस रीडिंग कर सकते हो। ओके, वो ओके, तो इससे आपका जो लोड है, नॉलेज का जो लोड है वो बहुत ही एकेंसी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपने ये खुद से तैयार कर लिया है इतनी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें जिसको आपको प्रिपेयर करना है, और हर चैप्टर में नेचुरल हो सकता है मीनिंग ज्यादा होगा लेकिन कंपैरिजन कम होगा, डायग्राम कम होगा। ओके, तो बैलेंस रहेगा, तो आपको किसी भी चैप्टर में एक्चुअली हर चीज आपको डिटेल में नहीं रहेगी। ओके, किसी में एग्जांपल कम होंगे, किसी में एकेंसी डिस्टिंग्विश ज्यादा होंगे, तो इस तरह एक्चुअली हर चैप्टर में कोई एस्पेक्ट ज्यादा होगा, कुछ एस्पेक्ट कम होगा, तो इस तरह क्या होगा, इट विल गेट बैलेंस्ड। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप अच्छा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, और फिर अल्टीमेटली जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि लास्टली आपके पास होना चाहिए पीसीएमबी, पैशन रखिए, कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, मोटिवेट करते हुए अपने आपको कि जितना भी सक्सेस आपने आज तक अचीव किया है उसी को एक बेस रखिए कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है बिलीफ, खुद पे बिलीफ रखिए, ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया इस पे आपको विश्वास रखना है, एंड यू कैन सी आपको सक्सेस से कोई भी यू कैन सी वॉट उसको अचीव करने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ओके,
क्वेश्चंस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मैं दूसरे एजेंसी पढ़ाई कैसे करनी है ये तो आज हो गया बेसिक तरीके, लेकिन अभी आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है ओके, और नीट में और कौन सी बातों पे आपको ध्यान देना है इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में मैं आपके सामने आऊंगा। तो आज के लिए फॉलो द रूल एंड एम्फसाइज ऑन द 10 एस्पेक्ट थोरोली रिलीजियसली ओके। और आज के सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में सब्सक्राइब को करना ही, और हमारे विजन 2022 के साथ जुड़िए ताकि आपका नीट का प्रिपरेशन मैं आपका अच्छी तरह करा सकूं ओके। और फर्स्ट अटेम्प्ट में नेचुरली यू कैन सी मेरी गारंटी है कि आप अगर मेरे रूल्स के हिसाब से मेरे तरीके से सबसे अगर आप फॉलो करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका मेडिकल एंट्रेंस क्लियर होगा ओके। स्टूडेंट्स बाय फॉर टुडे, वी कैन सी मीट यू सून अगेन, टेक केयर।